वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप संगतां दे नाल इस वीडियो दे विच अफगानी पठान तालिबान लोग क्यों शहीदा सिंघां नूं मानदे हन उस बारे आप जी दे नाल जानकारी सांझी करांगे। जिवें आप जी नूं पता है कि अकाली बाबा फूला सिंह जी निहंग सिंह जी बारे पिछली वीडियो बनाई गई सी, ते उस विच दस्या गया सी बाबा जी ने 1400 निहंग सिंघां समेत किमें 2.5 लाख अफगानी पठाणा का टाकरा किया शहीदी का जाम प्राप्त किया। जेकर वह वीडियो नहीं देखी तो उपर आई बटन पर लिंक होगा, उस उपर जाके आप संगत देख सकदियां हो। खैर, जिस समय अकाली बाबा फूला सिंह जी की शहादत हो गई तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने हाथी बाबा जी का गुरु मर्यादा अनुसार संस्कार किया। जिस अस्थान पर बाबा जी का संस्कार किया गया महाराजा रणजीत सिंह वालों, उत्थे सुंदर गुरद्वारा साहिब बनवाया गया ते बाबा जी की समाधि भी बनवाई गई ते निशान साहिब उस जगह चुलाए गए। ते उसे दिन ही महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे 23,000 किले बाबा फूला सिंह जी के सपुरद अरदास करवाई ता जो बाबा जी के शहीदगंज विखे हर समय लंगर चल सके ते कोई भी रास्ता बस्तां दी बाबा फूला सिंह जी के शहीदी अस्थान ते कमी ना आ सके। तो 1947 की बंड तो पहला बुढ़ा दल, तरना दल ते कई हज़ार संगत बाबा फूला सिंह जी के शहीदी अस्थान ते हर साल शहीदी जोड़ मेले ते जाया कर दिया सन। ते उस अस्थान का प्रबंध तो उस समय अफगानी सिखा पास सी, पर 1947 की बंड तो बाद उत्थों दे सारे सिख इधर आ गए ते सिख कौम का उधर जाना आना पूरी तरह बंद हो गया। पर शायद तुसी सुन के हैरान होवोगे कि अज भी बाबा फूला सिंह जी की समाधि है ते उत्थे निशान साहिब बाबा जी का अज भी झूलदा है ते उसकी सेवा उत्थे दे पठान करदे ने जिथे अज तालेबाना का बड़ा गढ़ बनिया होया है। जिवें पिछली वीडियो विच भी दस्या गया है कि पठान पिंड पीर दियां सुहाद तीर दियां पहाड़ियां विच मुढ़ तो ही बगावत करते आए ने ते आज भी ये काफ़ी मुकाबले अमेरिका दियां फौजां दे नाल इन्हां पहाड़ियां दे उपर ही करते हैं। तो इसे इलाके पिंड पीर विच ही अकाली बाबा फूला सिंह जी का शहीदी अस्थान है ते तालेबान उस अस्थान ते सेवा करते हैं। भावें उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का अज प्रकाश नहीं है, पर शहीदां सिंघां दे प्रतख पहरे वरतदे ने ते उना लोकां दा विश्वास है कि शहीद सिंह उना दे आज भी अंग संग ने ते उना दे सारे काम सवारदे हन। ते पिंड पीर दे पठान बाबा जी दे अस्थान ते झाड़ू दिंदे हन ते दस्या जांदा है कि जद भी उना दी भावना बने तां देगा अरदासे करवाउंदे हन ते निशान साहिब बिरद होण ते निशान साहिब दे वस्त्र बदलदे ने। ते वेखो, जिन्हां मुसलमान पठाणा दा खालसे दे नाल युद्ध होया सी अज उन्हां दी ही औलाद शहीदा सिंघां नूं अपना सिर चुकाउंदी है। यह है महान शहीद सिंघां दी ताकत। ते पर अज साडे ही विद्वान लोग शहीदा सिंघां दी होंद तों ही मुनकर हो चुके हन। ते जे असी इतिहास दे राही वेखीए तां जो नवाब कपूर सिंह हुणां ने खालसे दे बोले लिखे सन, जो खालसे दे कोड वर्ड हन, उन्हां विच वी शहीदा सिंघां नूं आकाशी फौजां, अगमी फौजां दे नाम दे नाल संबोधित किया जाता है। तो अज भी निहंग सिंघां दे विच शहीदी सोध शब्द की वरतों की जाती है, जिस तो भाव है जो साडे वर्गे रहत विच ढिल वरतदे हन उन्हां दी फिर शहीदी सोध हुंदी है, भाव के शहीदी फौजां कुछ ना कुछ उन्हां नूं प्रतक फिर विखा दिंदियां ने। ते कई महापुरखां दे जीवनां विच्चों भी इस गल दा जिक्र आउंदा है कि पिछले युगां दे विच पहरा सी देवतियां जां होर रूहां दा, पर हुण पहरा है इस भयानक कलयुग दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी आप अकाल पुरख जी दी फौज शहीदां सिंघां दा। ते इह भी कहा जांदा है कि जो भी शहीदां सिंघां दे चरणां विच अरदास कीती जावे उह तुरंत ही पूरी हो जांदी है। ते शहीद सिंह अकाल पुरख जी दी प्यारी दुलारी फौज है। इतनियां बेनतियां प्रवान जी बोलदियां होइयां, गलतियां होइयां होणगियां माफ़ कर दियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।